हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉली सोडिया कुकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा, बहुत जल्दी क्विक बनने वाला नाश्ता रेसिपी, ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाऊंगी। आप लोग बहुत हेल्दी रेसिपी, आप लोग इसको बनाना और बहुत कम टाइम लगेगा। गैस के ऊपर तो 2 मिनट ही लगेगा। राइस फ्लोर का, चावल पाउडर का बनाऊंगी। और ये चावल पाउडर जो है ना, बहुत हेल्दी होता है। और उसमें 1 चम्मच तेल ही लगेगा। ये जो सारा इंग्रेडिएंट्स ना, पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैंने राइस पाउडर लिया, उसके लिए थोड़ा सा उसमें नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, ओनियन पाउडर, थोड़ा ग्रेट हुआ जिंजर, ये सब डाला उसमें। थोड़ा सा ग्रीन मटर डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल दिया, सब कुछ मिला लिया। और ये चटनी के लिए, चटनी के साथ बहुत ही बढ़िया लगेगा। चटनी के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ता और 2 स्पून फ्राइड चना दाल और 2 स्पून रोस्ट वाला मूंगफली दाना और 2 स्पून डेसिग्नेटेड कोकोनट। आपके पास अगर दूसरा वाला कोकोनट है आप उसको डाल सकते हो। मैंने ग्राइंड करते टाइम इसमें 1/2 चम्मच आमचूर डालना भूल गई थी, तो इसलिए बाद में आमचूर 1/2 चम्मच इसमें मैंने मिला दिया चटनी में। और चटनी को अभी तड़का लगाओ। इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ज़रा सा तेल, 1/2 चम्मच तेल और ये साबुत वाला लाल मिर्च, बस तड़का लगा लो। और इसमें 1 चम्मच कढ़ाई में, एक छोटा सा कढ़ाई में तेल डाला, 1/2 चम्मच सरसों, 1/2 चम्मच जो सीसा में सीड्स उसको डाला। सिम में हमेशा इसको बनाना। और जो बैटर बना कर रखा था उसको 3 चम्मच इसमें डाल दिया और सिम में रख के 1 मिनट के लिए कवर कर दिया। फिर इसको साइड चेंज करो। कर लिया, सिम में ही रखो, फिर कवर कर दो 1 मिनट के लिए। ज़्यादा देर लगता ही नहीं है। बस बन गया आपका ब्रेकफास्ट, हेल्दी और क्विक ब्रेकफास्ट।